पिछले 24 घंटे में थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ मेनी प्लेसेस में बारिश हुआ है। आइसोलेटेड प्लेसेस में स्ट्रांग गस्टी सरफेस विंड था। हाईएस्ट बारिश कटक डिस्ट्रिक्ट में बांकी में 90.0 मिलीमीटर, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का कोतपात 76.0 मिलीमीटर, पूरी डिस्ट्रिक्ट का सुत्तवादी 70.0 मिलीमीटर, भद्रक डिस्ट्रिक्ट का चांदबाली 55.3 मिलीमीटर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का उदाला 48.4 मिलीमीटर, भुवनेश्वर सिटी में बारिश था 17.7 मिलीमीटर। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर बोध में था 44.5 डिग्री सेल्सियस, अंगुल सोनपुर में था 43.5 डिग्री सेल्सियस। अभी अगला 5 दिन का हमारा जो फोरकास्ट है, इसमें अगला 5 दिन का पहले 3 दिन थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और तेज हवा गस्टी सरफेस विंड्स रहने का चांसेस है। और फिर हमारा 6, 7 और 8 में भी थंडरस्टॉर्म का साथ बारिश आइसोलेटेड प्लेसेस में होने का चांसेस है। नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारा मेनी प्लेसेस में कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में और एडजॉइनिंग इंटीरियर कोरापुट, मलकानगिरि, नवरंगपुर, रायगढ़, केंदुझर, मयूरभंज, तेनकनाल, ये सब डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का साथ बारिश रहने का चांसेस है। और थंडरस्टॉर्म का साथ स्क्वायरली विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है। भद्रक, कटक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, खुर्दा, पुरी, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह करके। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ 40 से 50 केएमपीएस विंड स्पीड गस्टी सरफेस विंड हो सकता है केंदुझर, मयूरभंज, बालासोर, ढेनकेनाल, नवरंगपुर, किरापुट, मलकानगिरि डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का एक्टिविटी का साथ बारिश होने का चांसेस है। फिर 5 या 6 भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ गस्टी सरफेस विंड 40 से 50 6 तारीख को 30 से 40 तक जाने का चांसेस है। और मैक्सिमम टेम्परेचर अभी अगला 5 दिन में 4-5 दिन के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और लो प्रेशर सिस्टम का होने का जो पॉसिबिलिटी है, अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा साउथ अंडमान सी में है, इसका प्रभाव में 6 तारीख में लो प्रेशर होने का चांसेस है। और उसके बाद फर्दर 48 आवर्स मीन्स 8 तारीख तक ये डिप्रेशन बनने का चांसेस है, इसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट वर्ड रहेगा। अभी इसके लिए हमारा अंडमान एंड एडजॉइनिंग सी एरिया में ही वार्निंग है। और लो प्रेशर फॉर्मेशन का बाद फिर फर्दर हमारा इस सिस्टम के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। भुवनेश्वर सिटी में आज हमारा इवनिंग में नाइट का तरह थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी का साथ गस्टी सरफेस विंड भी होने का चांसेस है।